हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ, इसके थ्रू आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देख सकते हैं और इस वीडियो में उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 7 उनको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 14.3 है उसके लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नई चीज़ है जो कि आपको हर क्वेश्चन से अलग लगेगी। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम्स वॉज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। सो यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड। सो एक टेलीफोन डायरेक्टरी थी, उसमें से 100 सरनेम्स ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिए गए। देन क्वेश्चन में हमको आगे ये बोला गया है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम्स वॉज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस तरह से हमको डिवाइड करके दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ लेटर्स मींस 1 to 4 लेटर ऐसे हैं जो कितने नंबर ऑफ सरनेम, कितने सरनेम्स में आ रहे हैं, 6 सरनेम ऐसे हैं जिनमें कितने लेटर आ रहे हैं, 1 to 4। 30 सरनेम ऐसे हैं जिनमें कितने लेटर आ रहे हैं, 4 to 7। 40 सरनेम ऐसे हैं जिनमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 7 to 10। मीन्स इस तरह से इस डाटा को डिवाइड कर दिया गया है, मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स ये हैं और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो ये है, मीन्स मेन डाटा हमारा ये है, इसके लिए हमको फाइंड करना है। तो अब हमको क्या बोला गया है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। सरनेम्स में जो मीडियन लेटर है यानी कि मेन जो लेटर है, मीडियन मीन्स उसका, इसी में से हम फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ लेटर ये है, इसी के लिए हमको फाइंड करना है मीडियन लेटर। सो इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा मीडियन का, मीन्स इस क्वेश्चन में हमको मीडियन फाइंड करना है। देन फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। अब जो सरनेम है उनमें मीन नंबर ऑफ लेटर बताना है, मतलब कि नंबर ऑफ लेटर का मीन क्या है, मतलब मीन भी फाइंड करना है। इसके अलावा ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज, और हमको यहाँ पर मॉडल साइज फाइंड करना है, मीन्स मोड भी हमको फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक इस एक्सरसाइज तक, वो तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ हमको फाइंड करना है मीडियन। सो मीडियन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है तो फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी होती है। सो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ सरनेम्स हमको गिवन है, टोटल कितने सरनेम्स हैं, 100। तो लास्ट में यहाँ 100 तो है नहीं, और ना ही यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। सो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। नाउ इसी के अकॉर्डिंग हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहता है, देन नेक्स्ट टर्म में इस वाले टर्म को हम ऐड कर देते हैं, तो 6 + 30 कितना हो जाएगा, 36। देन 36 में 40 को ऐड करेंगे तो 40 + 30 हो जाएगा 76। देन 76 में हम 16 ऐड करेंगे तो 6 + 6 = 12, 2 carry 1, 7 + 1 = 8 + 1 = 9, 92। देन 92 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96, और 96 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका सम भी हमको फाइंड करना होता है। सो हम यहाँ पर इसका सम फाइंड कर लेते हैं, समीशन एफ, क्योंकि ये है एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो इसका समीशन एफ हो जाएगा टोटल 100। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 100, और वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है 100 सरनेम्स, तो नंबर ऑफ सरनेम्स टोटल कितने हैं, 100। और कभी भी अगर आपको चेक करना हो तो ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं तो उसका जो लास्ट टर्म होता है वो हमारे समीशन एफ मीन्स एन के इक्वल होता है। सो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई है करेक्ट। नाउ अब आगे क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप होती है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, सेकेंड स्टेप होती है कि एन बाय टू हम फाइंड करते हैं। सो ये जो समीशन एफ होता है यही होता है हमारा एन। सो एन हमको मिल गया, सो एन ओवर टू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें एन हमारा कितना है, 100। टोटल नंबर ऑफ सरनेम्स मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी मीन्स समीशन एफ यही होता है हमारा एन। सो एन कितना है हमारा, 100, और
एन ओवर टू मीन्स 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, मीन्स एन ओवर टू कितना आ गया हमारा 50। नाउ अब ये जो एन ओवर टू आता है इसी को हम चेक करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ देखिए ये है 36, तो 36 में तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, 76 है मीन्स इसमें होगा, और 92 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमको ऐसा नंबर देखना है जो कि इसके अंदर आ रहा हो। सो 36 छोटा हो जाएगा, 92 बड़ा हो जाएगा, 76 है जिसके अंदर ये 50 आ सकता है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट करस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी, और इसी के जस्ट करस्पॉन्डिंग में जो क्लास इंटरवल होता है वो होती है हमारी मीडियन क्लास। सो यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई और मीडियन क्लास मिल गई। सो यहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो हमको मिल गई है 40, क्योंकि 50 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो 50 है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर, ये जो हमने n ओवर 2 फाइंड किया है मीन्स 50 फाइंड किया है ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और इसी का करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी f, और इसी का करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होता है वो होती है हमारी मीडियन क्लास 7 to 10। सो ये हो गई ना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी हम लेते हैं, तो इसी के जस्ट ऊपर में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36। ना अब फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब एन ओवर टू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड कर लिया है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली, अब हमको ज़रूरत किसकी है, एच की है और एल की है, तो एच और एल दोनों ही हमको मिलते हैं मीडियन क्लास से। सो यहाँ देखें एल होती है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सो एल हो जाएगी हमारी 7 क्योंकि लोअर लिमिट है ये, और इनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा क्लास साइज मीन्स एच। सो एच हो जाएगा 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 3, सो एच की वैल्यू भी आ गई। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। सो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट अप कर दी, एल मीन्स लोअर लिमिट है हमारी 7 प्लस एन ओवर 2 हमारा कितना है 50, पहले ही फाइंड कर चुके हैं हम, क्योंकि एन है 100 तो एन ओवर 2 कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 ओवर फ्रीक्वेंसी है 40 इंटू एच कितना है हमारा 3। वैल्यूज पुट अप कर दी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट अप कर दी, देन आगे हमने क्या किया, ये जो 7 है ये एज इट इज़ रखा, प्लस एज इट इज़ 50 में से 36 माइनस करा तो कितना आया 14। सो आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट रहता है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 50 माइनस 36 के आ गया 14, मल्टीप्लीकेशन में 3 एज इट इज़ अपॉन में 40 एज इट इज़। अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दीजिए, और अगर नहीं हो रहे हैं तो यहाँ देखें 14 का 3 में मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 14 3 ज़ार होता है 42 अपॉन में 40 एज इट इज़। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दो तरीके हैं, या तो इन दोनों का डिवाइड कर दें और देन लास्ट में 7 को उससे ऐड कर दें, या फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करें, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 40 है, बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आ जाएंगे। सच्चा ये है कि 42 में 40 से आप डिवाइड कर दें, सो 42 में मैंने 40 से डिवाइड किया तो मिला 1.057 एज इट इज़ है, आप शुरू से देख रहे हैं 7 एज इट इज़ चल रहा है, देन जब इसको सॉल्व करके हमको मिला 1.05, तो 7 को हमने 1.05 में ऐड करा तो 7 प्लस 1 8.05 आ गया हमारा मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। सो यहाँ पर हमको यही फाइंड करना था, मीडियन फाइंड करना था, सो हमने मीडियन फाइंड कर लिया, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। सो यहाँ पर मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स होंगे 8.05। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मीडियन फाइंड कर लिया, अब आगे हमको फाइंड करना है इसी सेम डाटा के लिए मीन और मोड। सो इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं इसके लिए मीन। सो यहाँ पर हमने सेम डाटा लिया है सेम क्वेश्चन के लिए, हमको क्या फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ लेटर्स। सो अब हम इसी डाटा के लिए मीन नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमको फॉर्मूला लगेगा मीन का। सो पहली चीज़ यहाँ देखें, नंबर ऑफ लेटर्स हमको गिवन है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19, मीन्स ग्रुप डेटा है ये। नंबर ऑफ सरनेम्स हमको गिवन है मीन्स फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है। नाउ अब क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के लिए मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डाटा हमको गिवन है वो ग्रुप्ड डाटा है, इसीलिए इसकी हम फाइंड करेंगे मिड वैल्यू मींस एक्स की वैल्यू। सो नंबर ऑफ लेटर्स ही रहेंगे वो भी, लेकिन वो क्या रहेगी, इसकी मिड वैल्यू। सो मिड वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं यहाँ पर। सो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो भी नंबर ऑफ लेटर्स मीन्स जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसी से मिलती है हमको वैल्यू, क्योंकि जो भी मिड वैल्यू रहेगी वो इसी की वैल्यू रहती है, और जो हमारा आंसर आता है वो भी इसी डाटा के लिए आता है। तो जो मीन फाइंड करेंगे वो इसी डाटा के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसका हम मीन नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड कर रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे,
सो यहाँ एक्स आ जाएगा, देन इन दोनों को ऐड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे, देन इन दोनों को ऐड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। इस तरह से यहाँ जितने भी एक्स के टर्म में वो हम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने मिड वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स की वैल्यू इन दोनों को ऐड किया टू से डिवाइड किया तो हमको मिला 2.5, 4 प्लस 7 ओवर 2 किया तो 3.5, 7 प्लस 10 17, 17 को 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 8.5, देन 10 प्लस 13 हो गया 23, 23 को 2 से डिवाइड किया तो मिला 11.5, देन 13 और 16 को ऐड किया देन 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 14.5, 16 और 19 को ऐड किया देन 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 17.5। इस तरह से हमारी जो मिड वैल्यू है वो आ गई है, मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ अब यहाँ पर देखें, मीन फाइंड करने के लिए हमारी तीन मेथड काम करती हैं, और अगर आपको ये अभी तक क्लियर नहीं है तो जो हमारा 14.1 एक्सरसाइज है उसके लिए हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, और उसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको तीनों मेथड से किया है, जिससे कि एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड मिल जाएंगी। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ, इसके थ्रू आप उसी एक क्वेश्चन में तीनों मेथड देख लेंगे कि किस तरह से वो अप्लाई होती है। सो यहाँ पर देखें, एक होती है डायरेक्ट मेथड, वो जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, जब छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं तब हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर देखें, ये पॉइंट में वैल्यू है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम या तो अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे या फिर हमारी जो स्टेप डेविएशन मेथड होती है उसका यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आपको यही क्लियर नहीं रहेगा कि आगे हमको टेबल बनाने के लिए और कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम उसका लिखेंगे फॉर्मूला। सो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया स्टेप डेविएशन मेथड का, मीन जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई, इनके बीच में कुछ नहीं है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन है। सो समेशन एफ आई इंटू यू आई ओवर समेशन एफ आई इंटू एच। सो ये फॉर्मूला होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का मीन फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर देखें, ए मीन्स ए हमको फाइंड करना होगा। यहाँ पर ए कहाँ से फाइंड करते हैं ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, कि जो ए होता है अज्यूम्ड मीन होता है वो हमेशा जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उन्हीं में से हम फाइंड करते हैं, और जो एक्स की वैल्यू रहती है उनमें जो बीच की वैल्यू आएगी उसी को हम लेंगे। सो अगर बीच में एग्जैक्ट बीच में वैल्यू मिलती है तो एग्जैक्ट बीच की जो वैल्यू रहेगी वो उठा लेंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट बीच की वैल्यू हमको एक वैल्यू नहीं मिलती, दो वैल्यू मिलती हैं, तो उन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को आप ले सकते हैं। सो एक वैल्यू मिलेगी तो वो तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें, जैसे अगर ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो ये एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पर देखें 1, 2, 3 ये तीन वैल्यू ऊपर से हुई, ये तीन वैल्यू नीचे से हुई, बीच की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हैं जो कि बीच में आ रही हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आप अज्यूम्ड मीन सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं 8.5 को, आप चाहें तो 11.5 को भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया है 8.5 को, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ तीन नंबर हैं, यहाँ तीन नंबर हैं, बीच का कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, मीन्स इवन नंबर है, तो बीच का टर्म तो मिलना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये दो टर्म हैं, ये दोनों बीच में आ रहे, क्योंकि ऊपर के दो टर्म, नीचे के दो टर्म, बीच में दो टर्म आ रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को हम ले सकते हैं। सो मैंने ले लिया यहाँ पर 8.5 को। देन समेशन एफ आई इंटू यू आई, सो एफ आई तो हमारे पास है लेकिन यू आई नहीं है, इसके लिए हमको यू आई फाइंड करना पड़ेगा, तभी एफ और यू का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सो यू आई फाइंड करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला काम करता है। ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर लिखना है, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा, इसलिए इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सो यू आई फाइंड करने के लिए होता है एक्स आई माइनस ए ओवर एच। सो ये इस फॉर्मूले से आप यू की जितनी भी वैल्यूज उनको फाइंड कर सकते हैं, ए जो रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा, और यहाँ पर एच भी चाहिए, मीन्स एच की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सो एच जो होता है वो होता है क्लास साइज, मीन्स ये आपके क्लास इंटरवल है, इनके बीच का जितना भी डिफरेंस होगा, और वैसे भी क्लास साइज सभी जगह सेम होना चाहिए तभी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। सो यहाँ पर देखें 19 माइनस 16 कितना आ रहा है 3, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, सभी जगह जो क्लास साइज है वो सेम है। सो क्लास साइज हमारा कितना हो जाएगा 3। सो यहाँ पर ए की वैल्यू हमको मिल गई है, एच की वैल्यू मिल गई है, समेशन एफ आई इंटू यू आई हम तब कर पाएंगे जब यू की वैल्यू मिल जाएगी, अपॉन क्या है समेशन एफ आई। सो जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका जो टोटल सम रहेगा वो रहेगा समेशन एफ आई। सो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी एफ आई, अब इसका समेशन मीन्स सम कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उन सभी को हमने ऐड कर लिया तो हमको मिल गया समेशन एफ आई। आप चाहें तो एफ आई लिख सकते हैं, चाहें तो समेशन एफ भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले में भी अगर आई नहीं लिखना है तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए सो अब सिर्फ और सिर्फ हमको चाहिए समेशन एफ आई इंटू यू आई, मीन्स एफ और यू का मल्टीप्लीकेशन और उसका सम।
सो समीशन एफ आई यू आई हमको चाहिए, तो हमको एफ तो हमारे पास है बट यू नहीं है, तो यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर इसके पहले एक कॉलम बना लिया. सो यू आई इज इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए ओवर एच. तो ए की वैल्यू तो हमारे पास है 8.5, ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी. जितनी बार भी हम u फाइंड करेंगे a की वैल्यू 8.5 ही रहेगी. h की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 3, सो h की वैल्यू भी फिक्स रहेगी 3. चेंज होगी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखा है एक्स आई, मीन्स x की वैल्यू होगी चेंज, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर देखें तो बहुत सारी हैं. सो सबसे पहले यहाँ के लिए अगर हम u फाइंड करेंगे तो x हमारा रहेगा ये, देन यहाँ के लिए u फाइंड करेंगे तो x हमारा रहेगा ये, देन यहाँ के लिए फाइंड करेंगे तो x रहेगा ये. इस तरह से x हमारा चेंज होते जाएगा. तो चलिए अब हम u की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड कर लेते हैं. सो यहाँ पर पहला हम फाइंड कर रहे हैं u1. u1 के लिए जो हमारा x रहेगा वो रहेगा 2.5, सो x की वैल्यू 2.5 माइनस a की वैल्यू है 8.5 ओवर h की प्लेस पर 3, देन 2.5 माइनस 8.5, सो 8.5 में से 2.5 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6, और क्योंकि 8.5 बड़ा है इसलिए आ जाएगा नेगेटिव साइन, अपॉन में कितना है 3, 3 टू जार 6, तो 2 आएगा और ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव 2. देन यहाँ पर हमने 3.5 लिख लिया था, यहाँ पर रहेगा आपका 5.5. देन आगे बढ़ते हैं, यू टू फाइंड कर रहे हैं. सो यू टू के लिए जो एक्स रहेगा ये क्या रहेगा हमारा 5.5, सो 5.5 माइनस ए की वैल्यू 8.5 है ये हमारे पास है ओवर एच की वैल्यू कितनी है 3. 8.5 में से 5.5 माइनस होगा तो बचेगा 3, वो भी नेगेटिव क्योंकि 8.5 बड़ा है और उस पर नेगेटिव साइन, अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल कितना बचेगा 1, लेकिन नेगेटिव 1. देन इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, u3 फाइंड करेंगे. सो 8.5 माइनस ए कितना 8.5, सो 8.5 माइनस 8.5 0, 0 ओवर 3 0. लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको रफ वर्क में करना है, अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अगर यहाँ कैलकुलेशन में गलती हुई तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. इसलिए कैलकुलेशन रफ वर्क में करें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे. देन u3 फाइंड कर लिया, अब u4 फाइंड करेंगे. सो u4 में x कितना आएगा 11.5 माइनस a कितना है हमारा 8.5 x माइनस ए अपॉन h, h कितना है 3. सो यहाँ पर 11.5 में से 8.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3 अपॉन 3, और दोनों में से बड़ा 11 है तो पॉजिटिव रहेगा, 3 से 3 कैंसिल कितना आ जाएगा 1. इसी तरीके से 14.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6. सो यहाँ पर देखें 11.5 और में से 8.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, 6 ओवर 3, 3 टू जार 6, तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 3. सो यहाँ पर हमारी जो u की वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं. अब हम f और u का मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पर हमारी u की सारी वैल्यूज आ गई, अब हमको फाइंड करना है fi into ui. तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये रहा आपका fi, ये रहा ui, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, x का मल्टीप्लाई नहीं करना है गलती से भी. सो 6 टू जार 12, 30 इंटू 1 30, ये नेगेटिव थे इसलिए नेगेटिव, देन 40 इंटू 0 0, 16 वन जार 16, 4 टू जार 8, 4 थ्री जार 12. सो ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई. नाउ अब हमको फाइंड करना है समीशन एफ आई इंटू यू आई, मीन्स सम फाइंड करना है. सो यहाँ पर देखें कुछ नंबर नेगेटिव हैं, कुछ नंबर पॉजिटिव हैं. सो यहाँ पर एक सिंपल तरीका है कि नेगेटिव नंबर को आप अलग ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव नंबर को अलग ऐड कर लीजिए, देन दोनों को एक साथ आप सॉल्व कर लीजिए. सो यहाँ पर देखें 30 और 12 ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये कितने हो जाएंगे 42. सो ये होगा नेगेटिव 42. देन आप पॉजिटिव नंबर देख लेते हैं, यहाँ पर 12 और 8 हो जाएगा 20, और 20 और 16 36. सो यहाँ पर 30 और 12 कितना हो गया 30 प्लस 10 40, 42. देन यहाँ पर देखें 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 6 36. सो यहाँ पर नेगेटिव नंबर हो गया हमारे नेगेटिव 42 और पॉजिटिव नंबर हो गया 36. अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा. सो 12, सो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, 12 माइनस 6 6, और यहाँ बचेगा 3, 3 माइनस 3 0. सो यहाँ आ गया हमारे पास 6. अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 42 बड़ा है, 42 है नेगेटिव, तो आ जाएगा नेगेटिव 6. मीन्स ये जो समीशन एफ आई इंटू यू आई ये कितना आ गया हमारा नेगेटिव 6. मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास है समीशन एफ आई यू आई हमने फाइंड कर लिया, समीशन एफ आई फाइंड कर चुके हैं, एच की वैल्यू भी हमारे पास है. सो अब इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे जिससे हमको मिल जाएगा
मीन नंबर ऑफ लेटर्स। सो यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यूज पुट अप कर दी। ए की वैल्यू कितनी हमारी 8.5 प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई एन नेगेटिव 6, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ आ रहे हैं, अपॉन में समीशन एफ आई मीन्स 100 इंटू एच की वैल्यू है 3। नाउ इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 8.5 एज इट इज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 6 3 18 अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ ये इससे कैंसल आउट नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 3 कितना होता है 18/100। नाउ 100 से तो हम इजीली 18 में डिवाइड कर ही सकते हैं, सो हमको मिलेगा 0.18 डिवाइड करेंगे तो, और ये माइनस साइन एज इट इज। अब हमको क्या करना है, 8.5 में से 0.18 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया नेगेटिव, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमको मिलेगा 8.32 लेटर्स। मीन्स मीन नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो कितना आ गया है 8.32। सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमको तीन चीज़ें फाइंड करनी है, मीडियन हम फाइंड कर चुके हैं, मीन अभी हमने फाइंड कर लिया 8.32, अब इसी सेम डाटा के लिए हमको फाइंड करना है मोड। सो चलिए अब इसी सेम डाटा के लिए हम फाइंड करते हैं मोड। सो हमारा क्वेश्चन सेम है, डाटा सेम है, सिर्फ हमने इसमें क्या फाइंड करना है अब, मोडल साइज ऑफ द सरनेम्स, क्योंकि मीडियन हम फाइंड कर चुके हैं, मीन फाइंड कर चुके हैं, अब सेम डाटा के लिए हम फाइंड करेंगे मोड। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर मोड फाइंड करने के लिए जो ग्रुप्ड डाटा होता है उसके लिए मोड फाइंड करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला काम करता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करने के लिए पहले तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कभी भी मोड हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब जैसे नंबर ऑफ सरनेम्स हैं तो ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे पहले हम मोड फाइंड करने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 40 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है फ्रीक्वेंसी में, मींस जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपकी 40, मींस इसके जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होता है वो होती है हमारी मोडल क्लास। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले हमको फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 40, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो क्या हो जाएगी हमारी मोडल क्लास। अब ये जो मोडल क्लास होती है इसी से हम एल की वैल्यू फाइंड करते हैं और एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ जो हमारी मोडल क्लास होती है वो, सो ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, इसी से हमको चाहिए लोअर लिमिट, तो एल की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो लोअर लिमिट हो गई एल 7, यहाँ से लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है 7। देन क्लास साइज जो होता है वो भी हम इसी से फाइंड करते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो होता है हमारा क्लास साइज। तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमको 3, सो क्लास साइज h हो गया हमारा 3। नाउ अब बात आती है f1 f0 f2, सो हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारी 40, तो ये होता है हमारा f1, ये आपको लिखना नहीं है सिर्फ समझने के लिए है। सो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो होती है f1, इसके जस्ट प्रसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है f0, इसके सक्सीडिंग होती है f2। सो यहाँ से हमको तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। इस टेबल में सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही कुछ ऐड करना है, ना कोई वैल्यू फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग हमको मिल जाएगी मॉडल क्लास, उससे एल मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है f1, इसके पीछे वाली f0 और इसके आगे वाली f2। तो ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई, आप सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने सारी के सारी वैल्यूज पुट अप कर दी हैं। एल मींस लोअर लिमिट कितनी हमारी 7 प्लस f1 माइनस f0, f1 है 40, f0 है 30 ओवर 2 इंटू f1, सो 2 इंटू f1 कितना है 40 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h की वैल्यू है 3। सारी वैल्यूज पुट अप कर दी। अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, आपको ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ प्लस है। सो इस 7 को मींस प्लस वाली जो चीज़ रहती है इसको तो आप साइड में रख के चलिए, पहले आपको इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले इनको आप सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए, देन आगे बढ़िए। तो सबसे पहले 40 माइनस 30 करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर देखें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे यहाँ पर, मींस 2 इंटू जो भी नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई आपको करना है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले 40 में से 30 माइनस किया कितना आ गया 10, मल्टीप्लिकेशन में 3 इसको एज इट इज लिख दिया। देन सबसे पहले क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, देन ये नेगेटिव ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जब दो नंबर नेगेटिव होते हैं दोनों ही नेगेटिव होते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 30 और 16 को ऐड किया तो मिला 46 और दोनों नेगेटिव, इसलिए आ गया नेगेटिव साइन। नाउ अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे।
सो यहाँ पर हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, 80 में से 46 आप माइनस करेंगे तो मिलेगा 34। देन अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1 लेके एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू बड़ी है तो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, इन दोनों का आप क्या कर दीजिए डिवाइड। सो 30 में 34 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.882 और आगे भी नंबर्स हैं तो 0.882। नाउ अब बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको जाना है तो इसमें 2 नहीं लेंगे 0.88 लेंगे, तो 7 और 7 प्लस 0.88 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा 7.88। सो ये आ जाएगा हमारा मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। सो एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको गिवन है, मीन्स वेट है इन किलोग्राम, और ये जो डाटा है ये ग्रुप्ड डाटा है, मीन्स 40 to 45 तक का जो ग्रुप है, मीन्स इतने वेट का जो ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं, मीन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, मीन्स जो वेट है उसका हमको मीडियन फाइंड करना है, ये जो स्टूडेंट हैं इनके वेट की मीडियन हमको फाइंड करना है। सो मीडियन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हमको पता ही है, लेकिन सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी हमको गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, समीशन एफ भी फाइंड कर लिया, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसका समीशन मीन्स इसका टोटल सम आ गया 30, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी क्वेश्चन में हमको गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं 30, लेकिन उनको डिवाइड करा गया है ग्रुप्स में। सो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना आप पहले ही सीख चुके हैं और सारे क्वेश्चंस उनमें आप कर चुके हैं। जो पहला टर्म होता है हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, देन इस टर्म को इसमें ऐड करते हैं 3 + 2 = 5, देन 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13, 13 और 6 को ऐड करेंगे तो 19, 19 और 6 को ऐड करेंगे तो 25, 25 और 3 को ऐड करेंगे तो 28, और 28 प्लस 2 हो जाएगा 30, और ये दोनों चीज़ें सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करी है वो एकदम करेक्ट है। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद जो स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एन होता है उसका हम हाफ फाइंड करते हैं, मीन्स एन ओवर टू की वैल्यू। तो एन क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही होगा हमारा एन, या फिर हम कह सकते हैं जो समीशन एफ की वैल्यू होती है वही होती है हमारी एन की वैल्यू। सो जो एन है वो हमारा 30 है, और अगर एन ओवर 2 हम फाइंड करते हैं तो 30 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। सो एन ओवर 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो 15 आया है मीन्स एन ओवर 2 की वैल्यू आई, उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ्रिक्वेंसी में नहीं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, अब देखेंगे 15 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो है आपका 13, 15 से कम है, ये है 19, मीन्स जो 15 है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। सो ये इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि ये हमने फाइंड किया है 15। अब यहाँ इसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी एफ। सो ये हो जाएगी आपकी एफ, और ये जो क्लास इंटरवल होता है ये होती है आपकी मीडियन क्लास। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, देन उसके बाद हम फाइंड करते हैं एन ओवर टू। एन ओवर टू जितना भी आता है उसको हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आ रहा है, 13 में आएगा नहीं क्योंकि ये कम पड़ेगा, 19 के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी के जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, मीन्स एफ हो जाएगा 6, और इसी के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। नाउ इसी से हम फाइंड करते हैं एल की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यूज हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो मीडियन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला काम करता है वो है ये। इसी के लिए सबसे पहले, हमेशा जब भी मीडियन आप फाइंड करेंगे सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, देन एन ओवर टू फाइंड करें, देन इसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मिलते जाएंगी। तो एन ओवर टू था 15, 15 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गई आपकी क्लास इंटरवल, इससे आपको मिल गई मीडियन क्लास। नाउ अब हम फाइंड करेंगे एल की वैल्यू। एल की वैल्यू हमको मिलती है मीडियन क्लास से, जो लोअर लिमिट होती है वही होती है हमारी मीडियन क्लास। सो यहाँ पर लोअर लिमिट है आपकी 50 और अपर लिमिट है 60, सो लोअर लिमिट हो गई आपकी एल 55। इसी से हम फाइंड करते हैं एच की वैल्यू, क्योंकि इनके बीच में जितना भी डिफरेंस होता है वो होता है एच, मीन्स क्लास साइज। तो 60 में से 55 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 5, मीन्स एच कितना हो जाएगा, 5।
देन फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर लिया, एन ओवर टू फाइंड कर लिया, बचा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसी के जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। सो यहाँ पर हमने सिंपली सारी वैल्यूज पुट अप कर दी। हमको फाइंड करना है मीडियन के लिए, ये फॉर्मूला काम करता है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं इससे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मीडियन वेट। सो मीडियन वेट इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू है 55 प्लस एन ओवर टू कितना है हमारा 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 13 ओवर एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5। वैल्यूज पुट अप कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ इसको सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो यहाँ पर आगे हमने क्या किया, 15 में से आप 13 माइनस करेंगे कितना आपके पास आ जाएगा 2, मल्टीप्लिकेशन में 5 एज इट इज़ अपॉन में 6 एज इट इज़, देन 2 से ये 6 कैंसिल हो रहा है इसलिए कैंसिल कर दिया, अगर कैंसिल नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर देते। सो 2 वन ज़ार 2, 2 थ्री ज़ार 6, तो यहाँ क्या बचा ऊपर 5 और अपॉन में कितना बचा 3। अब यहाँ पर आप चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल यही है कि आप इन दोनों का डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर जो भी आता है उसको इसमें ऐड कर दें। सो ये नंबर आप एज इट इज़ ही रखें, 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1.666 एंड सो ऑन, ये आगे चलते रहेगा। सो हम क्या करेंगे, 2 प्लेस तक लिखते हैं, सो हम लिख लेंगे इसको 1.67, एक नंबर ऐड कर लेते हैं। सो 1.67 देन 55 में 1.67 को ऐड करेंगे मिलेगा 56.67, और हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, मीडियन वेट, और वेट की यूनिट होती है यहाँ पर हमको गिवन है किलोग्राम, सो 56.67 किलोग्राम आ जाएगा मीडियन वेट। सो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 14.3 है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये 14.3 का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के थ्रू मींस कोई भी वीडियो में जाएंगे, उसके नीचे जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर सारे के सारे चैप्टर्स की लिंक दी हुई है, आपको जो चैप्टर देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।